नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 के लिए। यहाँ पर हम लोग गणित और सामान्य ज्यामिति से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। 20 अंक का प्रश्न यहाँ से आता है, यानी 20 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न एक अंक का, तो 20 अंक का हो गया। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 20 में से 20 अंक आप सभी प्राप्त करेंगे। ये मेरा कोई दावा नहीं है दोस्तों, ये मेरा अपने आप पर और आप सभी की मेहनत पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। और आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा रहेगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक सीट पर 5 अभ्यर्थी, 10 अभ्यर्थी, 8 अभ्यर्थी, 7 अभ्यर्थी, इसलिए हम सभी का टारगेट होना चाहिए कम से कम 115-120, तो कम से कम बता रहा हूँ कि इतना कम से कम हमें स्कोर लेकर के ही आना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी टारगेट देखिए हमारा है कि कम से कम 130-125 के आसपास तक पहुँच जाएँ, फर्जीवाड़ा धांधली पूरी तरह से बंद हो, तब जा करके हम 110-115 पर उम्मीद कर सकते हैं, 120 तक उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सभी वीडियोज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ से भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी, और या कोई भी वीडियो सभी की PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आपको हम PDF यहाँ से दे नहीं पाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल पाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी शिक्षक भर्ती के सुपर टेट के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा आपको ये लास्ट में आपको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी आपकी सलाह सुझाव हो मैं उस पर बिल्कुल पूरी तरह से अमल करने का प्रयास करूँगा, और हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के बीच में लेकर के आऊँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट ओरिएंटेड प्रश्न की श्रृंखला हो और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो। तो यहाँ से हमने ज्यामिति से प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई A और B है, समांतर भुजाओं की लंबाई। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, आपसे ये पूछा है। ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे एक तरह से आपसे फॉर्मूलेशन पूछ लिया है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर हम इस पर बेस्ड ऑन कैसा भी क्वेश्चन होगा उसे भी हम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। ये होता है समलंब चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं, और ये असमांतर भुजा है। तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये असमांतर भुजाएं हो गई, इसके मध्य बिंदुओं को हम ऐसे मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और आपको मिल जाएगा। पहले हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। जब आप त्रिभुज में भी इस प्रकार से करते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये जो रेखा होती है ये इसके समानांतर होती है। एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ये जो भुजा होगी ई एफ ये समानांतर होगी सी डी की, और चूँकि सी डी और ए बी आपस में समानांतर हैं तो ए बी समानांतर सी डी और ये समानांतर ई एफ हो जाएगा। बिल्कुल आप इसे एज इट इज ऐसे ही याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला देखिए कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड आप यहाँ पर देखिए, जब भी ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी तो इसकी लंबाई अगर आपसे पूछेगा, मतलब आपसे पूछा गया है कि ई एफ की लंबाई कितनी होगी, तो इसमें जो समानांतर भुजाएं हैं मतलब ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी को आप जोड़ दीजिए आपस में और इसका आप आधा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः आपको दिया गया है ए और बी, तो आप किसी को भी ए किसी को भी बी मान लीजिए, मान लीजिए ये हो गया ए बी और सी डी की लंबाई बी हो गई, तो यहाँ पर ए बी की जगह आप ए रख लीजिए और सी डी की जगह आप बी रख लीजिए। ए प्लस बी अपान टू, ए प्लस बी और पूरे का होल अपान टू, तो ये तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपसे इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू आपको दे देगा। ये भी हो सकता है कि आपसे इस भुजा की लंबाई दे रखा हो, किसी एक भुजा की लंबाई दे रखा हो, दूसरी भुजा की लंबाई पूछ दे, आपसे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो ये सारे बिंदु आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। तो इसको मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये समानांतर भुजाएं हो गई, ये असमांतर भुजा हो गई, और इसके मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी इसकी लंबाई इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों के योग का आधा होता है, ठीक है। तो चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक सम षटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप पूछा गया है आपसे। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर एक सम षटभुज है और ये एक वृत्त के देखिए अंदर है, तो हम वृत्त को कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं कि जो इसके ये कॉर्नर को इस तरह से टच करते हुए ऐसे ही वृत्त होगा, हमारा सभी कॉर्नर को यहाँ पर टच कर रहा होगा, ये इस प्रकार से फिगर आप कर लीजिए। छः भुजाएँ हैं इसकी, सम षटभुज है या फिर सम षटभुज है, और ये केंद्र हो गया यहाँ पर, और ये मिला लीजिए ऐसे आप, ये सभी त्रिज्या हो जाएंगी, ठीक है। और इस जो त्रिज्या की लंबाई कितनी है, आर है। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक सम षटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप पूछा है आपसे। तो परिमाप के लिए हमें इसकी भुजा की लंबाई पता होना चाहिए, क्योंकि सम षटभुज है इसलिए इसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी। अगर हमें इसकी किसी भी एक भुजा की लंबाई पता चल जाए, हम उसी के आधार पर शेष भुजाओं की लंबाई भी यहाँ पर निकाल सकते हैं और सभी को आपस में जोड़ देंगे, वही होता है परिमाप। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो कोण होता है कितना होता है, 360 होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये सम षटभुज है, और हमने जब इस लाइन को इस प्रकार से मिला लिया, मैं ये फिगर आपको फिर से एक बार ड्रा कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ये बारा हो गया सम षटभुज, और यहाँ पर केंद्र हो गया, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको मिला दीजिए ऐसे, ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए आप, और ये मिला दीजिए। ये पूरा कोण होता है 360, और ये टोटल कितने कोण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये चूँकि सभी भुजाएँ आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे, इनके जो सम्मुख कोण होंगे, ये इस भुजा का सम्मुख कोण, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका भी सम्मुख कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये सभी कोण जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये जो पूरा कोण होता है कितना होता है, 360 होता है, और टोटल देखिए यहाँ पर 6 कोण बनेंगे, तो ये सभी कोण आपस में बराबर है, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे आप, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब ये जो सभी कोण कितने हो गए, 60 अंश के हो गए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देख लीजिए इसके बाद, क्योंकि ये सम षटभुज है, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये जो भुजाएं सभी आपस में बराबर हैं, और ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, मतलब ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसके सामने का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जब इसके सामने का कोण ये 60 अंश है, ठीक है, और बाकी जो दोनों कोण होंगे इनका योग कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 120 अंश होता है। और ये दोनों भुजाएं क्या है, इसके सामने की का ये कोण हो गया और इसके सामने का ये कोण हो गया। जब ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब इसका जस्ट आप आधा कर दीजिए, मतलब 60 अंश, यानी ये कोण भी 60 अंश, ये कोण भी 60 अंश, ये कोण भी 60 अंश। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये तीनों ही कोण कितने हो गए, 60-60 के अंश हो गए। जब तीनों कोण 60-60 अंश के हो गए, मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों अंतः कोण 60-60 अंश होते हैं, क्योंकि सभी अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये त्रिज्या यहाँ पर है, मतलब ये त्रिज्या आर, ये आर, तो ये भी आपका आर हो जाएगा। ये भुजा कितनी हो गई, आर हो गई, और ये भुजा आर है, तो चूंकि सम षटभुज है, सभी भुजाएं, सभी 6 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं आपस में, तो ये भी आर हो जाएगा, 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 ये भी आर। और आपसे सम षटभुज
का परिमाप पूछा है। तो समकटभुज का परिमाप यानी उसके सभी छः भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देंगे आप। तो टोटल छः भुजाएं हैं, मतलब आर को छः बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6R आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। हो सकता है कि पंचभुज दे दे, सम पंचभुज दे दे, या कुछ और थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दे आपसे, परिमाप दिया हो आपसे, भुजा भुजा की एक भुजा की लंबाई पूछ दे, ठीक है। इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है, आपसे परिमाप आपको दे दे और एक भुजा की लंबाई पूछ दे समकटभुज के। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बार ध्यान से देख लेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, मान लेते हैं हमारा त्रिभुज है इस प्रकार से, और हम जब त्रिभुज के कोणों के अर्धक करते हैं, मतलब ये कोण हो गया, कोणों का अर्धक करना सभी को आता होगा। यहाँ से ऐसे एक चाप बनाते हैं, फिर यहाँ से जो है सेम चाप लेकर के ऐसे, और सेम चाप लेकर के ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोण अर्धक, मतलब ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बना दिया कोण अर्धक, ये भी कोण अर्धक बना दिया, और यहाँ पर ये भी हमने कोण अर्धक बना दिया। फिर क्या करते हैं हम लोग, है कि यहाँ से जो है भुजाओं पर हम लोग लंब डालते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर भी लंब डाल दीजिए, यहाँ पर भी लंब डाल दीजिए, और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बन जाता है अंतः केंद्र। तो त्रिभुज अंतःवृत्त, माफ़ी चाहूँगा, अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। ये अंतःवृत्त हो गया ना, अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा, मतलब हमने क्या किया, तीनों कोणों का हमने अर्धक कर लिया। फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये तीनों हमने जो कोण है उनका हमने अर्धक खींच लिया, ये यहाँ पर मिल गए। इसके बाद क्या करते हैं कि यहीं से जो है सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल देते हैं इस प्रकार से। लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया हमने, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर मिलेंगी आपको, और यहाँ से ये देखिए ऐसे मिलाते हुए इस प्रकार से एक वृत्त बनाते हैं, इसी को बोलते हैं अंतःवृत्त। और इस अंतःवृत्त के लिए जो केंद्र इसका होगा, ये हो जाएगा अंतः केंद्र, मतलब अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है कोणों के अर्धकों से। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, मान लेते हैं इस बार हमने कोणों का अर्धक नहीं किया, हमने भुजाओं का अर्धक किया। भुजाओं का अर्धक कैसे करते हैं, यहाँ से हमने एक चाप लिया गोला प्रकार से, ऐसे कट किया और इधर भी कट किया, उसी से यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, ये हमने मिला दिया। अब ये जो भुजा है, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ये लंबाई होगी, ये भुजाओं का अर्धक होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार से इस भुजा का भी हम अर्धक यहाँ पर कर लेंगे, और इस भुजा का भी अर्धक हम यहाँ पर कर लेंगे। सभी जहाँ पर मिलते हैं ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, तीन लाइन और ड्रा करेंगे। कहाँ तक, जो तीनों ये कोने हैं, ये कोना हो गया और ये कोना हो गया, ये तीनों लंबाइयाँ आपस में आपको फिर बराबर मिलेंगी, और इनको मिलाते हुए एक यहाँ पर वृत्त खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा परिवृत्त, इसको बोलते हैं परिवृत्त। और जैसे अंतः केंद्र, ऐसे इसका बाह्य केंद्र हो जाएगा त्रिभुज के लिए, परिवृत्त का जो केंद्र बाह्य केंद्र हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर और देख लीजिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया, और जब भी हम माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करना। माध्यिका हमने खींच लिया, ये दोनों दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, ये भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो केंद्र बनता है, इस केंद्र को बोलते हैं, जो केंद्र बनता है, जो सेंटर यहाँ पर है, इसको बोल, या जहाँ पर तीनों भुजाएँ कट करती हैं आपस में, तीनों माध्यिकाएँ त्रिभुज की, इसको बोला जाता है केंद्रक। ये जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ये पूरा आपके पाठ्यक्रम में है। एक और देख लीजिए, यहाँ पर चार ऑप्शन थे। भुजाओं के लंब, अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर अभिलंब देख लीजिए, अभिलंब मतलब सामने वाली भुजा पर लंब खींचना इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पर लंब खींच दिया, और हमने यहाँ पर ऐसे लंब खींच दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो कोण के अर्धकों को अंतः केंद्र, भुजाओं के जो अर्धक होते हैं उनको हम बाह्य केंद्र बोलते हैं, माध्यिकाओं का जो जहाँ पे काटती हैं उनको हम केंद्रक बोल देते हैं, और जहाँ पे अविलंब काटते हैं आपस में उनको हम गुरुत्व केंद्र बोल देते हैं। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे तीन प्रश्न ले रखे थे, और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्न करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।